तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा उन्होंने रखी थी इसकी नींव। तो भाई आराम कंटिन्यू, बारिश हो रही है यहाँ पे और मैं गीला हो चुका हूँ यहाँ पे, देख सकता हूँ। ये देखो भाई, वाटरप्रूफ है, कौन दिक्कत तो नहीं होगी। महिला मित्र के साथ आने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत जेंटलमैन गर्ल्स एंड बॉयज वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमडी ब्लॉगर। तो गाइस मैं एक नए प्लेस पे लेके आ गए हूँ आपको, जी हाँ, और प्लेस का नाम है आपका शांति का स्तूप। और आज है इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, मैं सोचा क्यों नहीं आज भारत को एकता के रूप में जोड़कर दिखाऊं मैं लोगों को कि मैं वैसे तो एक अलग रिलीजन से आता हूँ, लेकिन मैं सामने वाले के रिलीजन पे जा करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसी के मन में किसी के धर्म के प्रति कोई उल्टी सीधी भावना नहीं होती है, ये सब राजनीति होती है। जी हाँ, ये रहा आपका शांति का स्तूप। जी हाँ, ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से। जी हाँ, ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से और इसकी प्रक्रिया जो है बनाने की बहुत पहले स्टार्ट की गई थी। जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे सत्ता में, तभी इसके निर्माण की बात हो गई थी और इसका उद्घाटन जो किया गया था लगभग 2007 में किया गया था। और इसकी नींव जो रखी गई थी तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा उन्होंने रखी थी इसकी नींव। तो चलिए बेसिकली हम यहाँ पे जाके देखने का प्रयास करते हैं कि इसका व्यू कैसा है। और बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन के साथ बोलू बढ़िया क्वालिटी का आपको ये नजर आ रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि इतना शानदार प्लेस शायद ही आपने दिल्ली में कहीं पे देखा होगा। दूसरी बात, ये जो प्लेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बहुत ही हिडन प्लेस है। मतलब बोलू तो 100 में से 90% लोगों को नहीं पता इस प्लेस के बारे में और सिर्फ 10% लोगों को पता है। इसलिए मैं इस प्लेस के बारे में आप सभी को बताने के लिए लेके आया हूँ कि ऐसी भी जगह है यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो वो यहाँ पे आके, या फिर बहाई धर्म जो कि अभी नया धर्म आया है प्रचलन में, वो सभी लोग इस जगह पे आ करके और इस जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जिस बिना देर करते हुए सबसे पहले हम शांति के स्तूप पे जाएंगे, जी हाँ, ऊपर, और चलते हैं देखते हैं कैसा व्यू है और देखते हैं व्यू। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है ना शूज उतार के जाना पड़ेगा और हम शूज उतारेंगे पहले यहाँ पे, उसके बाद आगे चलेंगे। और बारिश का मौसम है तो थोड़ा गीला भी हो सकता है माहौल, तो इसलिए हम शूज जो है वहाँ उतारेंगे साइड में, ताकि देखिए इतने सारे शूज उतारे गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो उठाना कोई सा भी नहीं है, देखो भाई हम उतार लेते हैं पहले, तो उतारो उतारो। हमारे हैं अहद भाई आज हमारे साथ और ये बेसिकली महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से ज्यादा जानते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यही आज हमारे महात्मा बुद्ध जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि शांति का प्रतीक है एक तरीके से और ये धर्म स्थल, तो आज जानेंगे कि महात्मा बुद्ध हमारे बेसिकली मतलब कहाँ पैदा हुए और इनका जन्म स्थान क्या था, बताएंगे अहद भाई, चलिए बताइए। जी बिल्कुल, ये बिहार में पैदा हुए थे, बिहार के लुम्बिनी जिले में। हाँ, और इनका जो बचपन का नाम था, इनका नाम था गौतम। बाद में जब ये इन्होंने कहे थे जब ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, देन इनका नाम पड़ा था महात्मा बुद्ध। ओके, तो ये काफी, और इनके पत्नी का नाम भी कुछ होगा। जी जी, इसके पत्नी का नाम था यशोदा। ओके, इन्होंने शादी के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे काफी ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है, क्योंकि माहौल जो आपको दिख रहा होगा फ्रंट ऑफ का, बारिश का ही हो रहा है और मेरे ऊपर बिल्कुल बूंदे बांदी आने लग गई है। और मेरे साथ अहद भाई है, और तो बेसिकली टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लास्ट सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, जो कि ये रोलिंग जो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, लास्ट वाला रोलिंग दिख रहा है आपको और ये मंजर काफी शानदार दिख रहा है आपको।
और चारों तरफ से आपको महात्मा बुद्ध के इस तरीके से स्टैचू लगी हुई दिखेगी और महात्मा बुद्ध हमें इस तरीके से दिख रहे हैं। और सामने इस तरीके से देखिए, ये व्यू भी काफ़ी शानदार लग रहा है, प्लस बारिश का मौसम हो रहा है और बादल भी सुकून भरी बादल है यहाँ पे, और सामने आपकी लाइटिंग भी अच्छी हो रही होगी। ये बोलना चाहूँगा गाइस, कोई भी मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मज़हब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आप भी किसी भी मजहब के प्रति कोई अपने दिल में भेदभाव बिल्कुल नहीं रखेंगे, और प्लस सभी धर्मों के लोगों का, सभी धर्म के धार्मिक स्थलों का सम्मान करेंगे और किसी के प्रति कोई भावना, गैर गलत भावना उत्पन्न नहीं करेंगे। इस ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ पे पेड़ के नीचे सो रहे हैं, और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है इस प्रकार से, ये पेड़ है पीपल का, ठीक है, यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ को और महात्मा बुद्ध को सोते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं इस प्रकार। और इससे फाइनली ये जो सो रहे हैं पेड़ के नीचे, इससे और भी क्लियर हो जाता है कि ये स्थल शांति का प्रतीक है और यहाँ पे हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। भाई आराम से। तो गाइस, खतरनाक वाली बारिश होने लग गई है और चलते हैं अब हम। और ओ भाई, बारिश हो गई बहुत तेज गाइस, कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पे और मैं गीला हो चुका हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं अब इस प्रकार से। और सामने का भी देखिए, बारिश कंटिन्यू हो रही है। और मुझे मन कर रहा है यहाँ बैठ गया लेकिन मैं यार, ये बंदे देखो बारिश में नहा रहे हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ। ये देखो गाइस, वाटर प्रूफ है फोन, दिक्कत तो नहीं होगी। गाइज, अभी हम चक्कर लगा रहे हैं इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर, और यहाँ पे महिला मित्र के साथ आने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और सीधा आइए महिला मित्र को लेकर के। और यहाँ पे गाइज, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेस के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्यालों में याद रखिएगा।